नमस्कार मोर बंधुगुला, तो मुई आज जे आसम गुड्डी उत्सव पतंग हेपी पतंग उत्सव तुम्हारा सन्देश। तो बंधु बान्धवगुल्लो हमें जावर पर सेल्फी टेल्फी नेওয়া হল, নেওয়ার পরে সেই বিষয়ে ঘোরা হল। কায়গা কোন জায়গা থেকে চেনা পরিচিত হল, ইন্ট্রোডিউস হল। তো এটা গার্ডেন প্লেস আসল। তো গার্ডেন প্লেসটা এই জায়গা থেকে গুড্ডি প্লেস হবে। তো এই জায়গাটা কোন জায়গাটা থেকে কি জিনিসগুলো এই জায়গাটা খাওয়া দাওয়া হবে, সাওয়া পড়াশোনার ড্রেসের জন্য অনেক সার্কাস কিছু লাগাবে ছোটো মোটো। তো এই বিষয়ে বেশি ঘোরা হল, বন্ধু বান্ধবগুলো আলোচনা করা হল। কায়গা কোন জায়গা, আসাম, বেঙ্গল, বিহার, ইউপি, ঠিক আছে, ঝাড়খণ্ড। तो ये हमारे एंट्री गेट दिए ढोकार पर जगह हमारे मीटिंग चालू हल। चलिए ऐसे हमारे सिनियर सुपारभाइजार बुझे आसे से क्यों गेस्टगुल्लो आसले ठीक है। एकजन 18टा रूम आसे, एकजन एक करिया एक रूम थकबें का जो बुझे ना पाई एकजन दूजन सहायता करबें ठीक है। तो मेन्यू कार्ड दिए मेन्यू कार्ड फोटो नीबें ठीक है। गेस्ट आसले पर कम कर स्वागतम वेलकाम जाना लगे। तो ये हल मैदान, ये मैदानटा एक्चुअली से हॉकी खेलाय ठीक है। घोड़ार ऊपर चढ़िया एकदम लाइटिंग दिए आसे हॉकी खेलाय। तो ये जगह तो गुड्डी उड़ाबे। तो समय बर्तमान भाई से 12टा। तो मैं ये जगह एकदम आराम से बसिए भिडियो बनाई आसम। तो चेको ना कि डिसकस हो कौनटा रूम थे। तो मैं कैसे 3 नम्बर थको 3 नम्बर मैं थकले मोटामुटी जगह भिडियो बनाने चार्ज पाम ना एकदम एंट्री गेट एकदम सामने। तो मैं 9 नम्बर और 10 नम्बर पसंद कर 9 नम्बर और 10 नम्बर एकदम से दूर एंट्री गेट एकदम फोन मोटामुटी जगह तक 200-300 फुट 200-300 फुट मोटामुटी 10 नम्बर 9 नम्बर सेमा आए। तो 9 नम्बर सिलेक्ट कर लो। तो 9 नम्बर सिलेक्ट किया जगह देखे पाली सेमा सेमा आसिए बच्चा जो गुड्डी रही है देखते रोहित। तो बहुत समय गया 4टा 12टा तर संगे रूम और जो रूम सिलेक्ट हो। तो रूमटा मैं सिलेक्ट कर 9 नम्बर। तो 9 नम्बर नई 10 नम्बर नई 1 থেকে 6 नम्बर और 18-19 नम्बर लेकिन मानुष गेस्ट आससे 9 नम्बर नई जगह फेस्टिवल चालू हो गए गुड्डीगुल्लो किने एक रूम 20,000 টাকা 16 জন मानूष बस पाए और 2,000 টাকার टिकिट दिए दें 2,000-4,000 টাকার टिकिट दिए दें कूपन टाका जमा कर एक बुक दिए दें 10 টাকার कूपन 20 টাকার 1000 টাকার कूपन कूपन थे। तो हमारे कूपन दिए दें और जिनिस जिनिसगुल्लो नहीं है मिनी घटे थे ये जिनिसटा नहीं है जल नहीं है पिज्जा नहीं है मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी ये सब और तुम्हें वही मिनी घटा देखें शेयर करें। तो गुड्डी तो काउर पावा लगे काउर पावा लगे ना कारो सूखा सीढ़ी जावा लगे ठीक है। बहुत आनंद नहीं आसे मजा नहीं आसे बसर सब पाँच 14 तारीख आस 13-14-15 क्योंकि मेला दिन आगे चालू है मोटामुटी 1 सप्ताह आगे गुड्डी उड़ा चालू हो जाए। तो तेलंगाना हैदराबाद स्टेट और ये फांगशन जो फेस्टिवल मानी आज क्लाब थे हैदराबाद थोड़ा कैपिटल स्टेट थे अल्प बहरा कैपिटल स्टेट थे मोटामुटी हैदराबाद स्टेट थे मोटामुटी 40 किलोमीटर दूर। तो मैं जो जगह थको वो जगह थे मोटामुटी 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये जगह देखे पाला तुम्हारा तरफ ये जगह नाचना है। तो समय गए रात बजे 8टा। तो फेस्टिवल पर शेष देखें। तो ये जगह देखो पूरा नाची आसे। तो ये जगह मागनी करें हमारे पास सरकम मागनी करे बाड़ी बाड़ी। तो ये जगह दुकान दुकाने जो मागनी करे। तो ये हल हिंदी मागनी हिंदी और तेलुगु मागनीगुला आलदा टाइपर थे ठीक है। तो मोर मेन्यू कार्डा जो मुख दी से तुम्हें शेयर कर स्क्रीनशॉट नहीं पड़े पान ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं पड़ा। तो मुख थाकिर कौशल से जगह हल गार्डन प्लेस ये जगह कौशल से तु खाली पिज्जा देव पिज्जा काउंटार वो जगह था खाली पिज्जा देव टेबल ठीक है। और पिज्जा दिले पर एक टिप्स बेसि पाब। तो मैं ना टिप्स तो मैं एक्चुअली काम करार जो तो जान ना वही मैं हल्का फुल्का काम हम करीम ना साइड दिया बंधु बान्धव आज हमारे होस्टेले और गेल 6 জন। तो मैं दिया हल 6 জন। तो 5 জন काम कर मैं अल्प फाँके फाँके। तो राजा मिलसे এটা হল এরকম কুপন থাকে। তো এর টিপস মিলছে যা যার কুপন বাসে তাই তাই টিপস দিয়ে যায় 400-500-1000। তো রাজার মিলছে 500 টাকার কুপনস আর যার কুপন শেষ হয়ে যায় টাকা দিয়ে দেয়। তো টোটাল ডিউটি করছি 10 ঘন্টা। গেছিলাম দিনের 10টার সময় আসছি রাতের 9টার সময়। আর খাবার দিয়েছিলাম ডাল ভাত দিয়েছিল 1টা থেকে 2টার ভিতরতে দিয়েছিল একবার আর আসার টাইমে দিয়েছিল একবার 9টার সময় খাবার। তো আমার মোটামুটি 10 ঘন্টা দিয়েছিল। আমার একদিনে হাজিরা আসছিল 500 টাকা আর যার যার টিপস পাইছে তার তারগুলো সব নিজের কাউকে যাই যাই গেছে কাউন্টার মানে আর কি ক্যান্টিনের মধ্যে এসে তাই কালকে ফ্রি ফ্রিতে খাবার পাইছে। তো মুই প্রথমেই তো ডিসাইড করে নিয়েছিলাম যে যে জায়গাগুলোতে গেস্ট কম থাকবে ওই জায়গাগুলোতে মুই থাকি। তো মুই 9 নম্বরটা সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম ঠিক আছে। আর বাকি মোর বন্ধুবান্ধবগুলো 400-500-300 করে টিপস পাইছে। মোর এই জায়গাতে একটা গেস্টও আইসে নাই। মোটামুটি আমি 10 ঘন্টা ডিউটি করছিলাম সেই রুমটা একজনও গেস্টও আইসেও নাই ঠিক আছে। মনে হয় ওটা বুক আনে আর একটা করে রুম 20,000 টাকা বুকিং তার থেকে 4,000 টাকা দিয়ে খাওয়ার কুপন। তো এটাই আসলে জানকারি। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব শেয়ার।